वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ मैक्रोनी। तो हमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए होगी मैक्रोनी जो कि मैंने बॉईल करके रख ली है ऑलरेडी, कटी हुई प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, टमाटर कटे हुए एंड वेजिटेबल्स कटी हुई। मैंने गाजर और शिमला मिर्च यूज की है, आप चाहें तो और कोई भी यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। चटनीज रखी है मैंने, रेड सॉस और मिक्स चटनी। ऑयल चाहिए होगा आपको, जीरा, रेड मिर्च, नमक स्वाद अनुसार और हल्दी। तो अब स्टार्ट करते हैं, हमें कैसे बनाना है इसे। कढ़ाई में रख देती हूँ गैस पे, अब मैं चढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी। ऑयल डाला है अपने अकॉर्डिंग, टेस्ट के अकॉर्डिंग। ऑयल को अच्छे से गर्म होने दें। ऑयल के गर्म होने के बाद आपको उसमें जीरा डालनी है, ये मैंने डाल दी है जीरा। जैसे ही जीरा आपकी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी आपको लहसुन और अदरक डालनी है। अदरक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डालें और उसके बाद आपको ऑनियंस डालने हैं। ऑनियंस मैंने अलग अलग शेप में काटे हुए हैं, कुछ मैंने स्मॉल साइज में काटे हैं, कुछ लॉन्ग में। लंबे इसलिए काटे जाते हैं ताकि डेकोरेशन में दिखे। चाहे तो ऑनियन की पेस्ट भी यूज कर सकते हैं। अच्छे से ऑनियन को पकने दें, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे वेजिटेबल। एक ट्रिक बताती हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेजिटेबल जल्दी पक जाए तो नमक आपको तड़के में जरूर डालना चाहिए, इससे आपकी जो वेजिटेबल्स है वो जल्दी पक जाती है। आप लोग चाहे तो जीरो मोटो भी यूज कर सकते हैं, इससे भी काफी अच्छा टेस्ट आता है। इसके बाद हमने इसमें मिर्ची डालनी है इस तरह से, और बाकी आप जो भी मसाला यूज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। हल्दी अपने अकॉर्डिंग यूज कर लें। टमाटर, टमाटर मैक्रोनी के लिए बहुत ही जरूरी है। अब वेट करते हैं इनका पकने के लिए, इसमें 5 से 10 मिनट लगेंगे कम से कम, और अब हम इसे ढक देते हैं। अब वेजिटेबल्स पक चुकी है, अब हम लास्ट में इसमें मैक्रोनी डाल देंगे। और हम इसमें सॉसेस डाल देंगे, चटनी है सॉसेस अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। अदरक चटनी, टोमेटो चटनी, ग्रीन सॉस, सोया सॉस, आप अपने अकॉर्डिंग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। अभी 2 मिनट तक पकाएंगे, फिर हम इसे बॉल में निकाल लेंगे। और बिल्कुल रेडी हो चुकी है, अब हम इसे बॉल में निकाल रहे हैं। और ये देखिए इट्स रेडी, डिलीशियस मैक्रोनी बिल्कुल तैयार है। और कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी हमें जरूर बताएं, सजेशन बॉक्स में सजेस्ट जरूर करें। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।